अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं नया ब्लॉग के साथ में आया हूँ और आज यहाँ का मौसम दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। आज मगरिब का टाइम अभी ये हो रहा है मक्का में, ये मक्का सिटी है और यहाँ का मौसम देखिए आज बारिश होने वाला है, तो मैं सोचा चलो इसके ऊपर ही वीडियो क्यों ना बना दें। देखिए आज 12 तारीख है और यहाँ मगरिब का टाइम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होता नहीं है मक्का के अंदर। सऊदी के अंदर बारिश बहुत कम होता है और मक्का सिटी में तो अक्सर ही नहीं होता है, बहुत मुश्किल से बारिश यहाँ होता है। और जिस दिन बारिश होता है तो यहाँ का पब्लिक और यहाँ का माहौल मतलब एकदम अलग ही हो जाता है, एकदम नज़ारा ही अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत होता है, दिन में पब्लिक बाहर निकल नहीं पाती है और शाम के टाइम निकलती है, ठीक है। तो जब बारिश होने वाला होता है, कभी कभार होता है, अगर बारिश हुआ भी तो 10-15-20 मिनट बारिश हुआ, उसके बाद ख़त्म हो जाता है और यहाँ पानी निकलने का कोई मतलब सिस्टम ही नहीं है इस यहाँ के अंदर। यानी पहाड़ ज़्यादा है मक्का में, पूरा पहाड़ी है, पहाड़ पे ही मतलब ये सिटी बसा हुआ है, पूरा फुल पहाड़ है, बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, सब पहाड़ काट काट के रोड घर सब बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब बारिश थोड़ा भी बहुत हो जाता है ना तो पानी भी एकदम से जमा हो जाता है। पहले तो समझ लो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था, अभी तो बहुत सारा रास्ता बना दिया है, तो अभी उसी के बारे में वीडियो मतलब उसके बारे में बताने वाला हूँ आप लोग को। और लास्ट तक वीडियो देखना, अगर चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मतलब अच्छा ऐसी अच्छा अच्छा वीडियो बनाता रहता हूँ कि कम से कम आप लोग अगर यहाँ सिटी में नहीं आए हो मक्का में, तो यहाँ का बहुत सारा मतलब नॉलेज आप लोग को मिलता रहे और यहाँ का मक्का सिटी का ज़्यारत भी होता रहे। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक, ओके। फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये मस्जिद है, ये मक्का का एक एरिया का नाम है सराया, यहाँ का मतलब मैं यहीं पर रहता हूँ। ये मस्जिद है माशाल्लाह, और अभी यहाँ पे मगरिब का टाइम हो रहा है। ये सब घर देखो, यहाँ पे बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती है, सब छोटा छोटा बिल्डिंग होता है मक्का में। ज़्यादातर जो रहने वाला जो बिल्डिंग होता है बहुत छोटा छोटा होता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं अपना रहने के लिए, वो समझो कि मतलब बंगला टाइप का ही बनाते हैं। यहाँ भाड़ा वाड़ा देने वाला कोई सिस्टम होता नहीं है, क्योंकि अपना पर्सनली रहने के लिए बनाते हैं, तो इसके वजह से मतलब बंगला टाइप ही, बस एक फ्लोर नहीं तो दो फ्लोर का बस बहुत हो गया। देखिए आप लोग को खुद ही पता होगा। और जो मस्जिद अल हरम है, खाना काबा है, वहाँ के आसपास में मतलब बिल्डिंग बड़ा बना रहा है, क्योंकि वहाँ पे हाजी लोग आते हैं उमरा हज के लिए, तो रहने के लिए जो होटल होता है वो सब होटल है, तो वो बड़ा बड़ा फ्लोर मतलब 60 फ्लोर 100 फ्लोर ऐसा बड़ा बड़ा बना रहे हैं, क्योंकि उसमें मतलब वो रहने के लिए ऊपर सब रहने के लिए हाजी लोग का रहता है और नीचे सब मार्केटिंग सुपरमार्केट और जैसा मतलब दुकान सारा होता है, ये सब होता है, तो इसके वजह से उधर सारा बिल्डिंग बड़ी रहेगी और बाकी के जो रहने वाला होता है सब छोटा छोटा बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अभी मौसम देखो कितना, यहाँ का नज़ारा देखिए। अब यहाँ दिन बैठने वाला है, मुमकिन आधा घंटे के बाद दिन बैठ जाएगा ये, क्योंकि जब यहाँ पे बारिश होता है तो पब्लिक बहुत खुश हो जाता है, एकदम बारिश में निकलता है गाड़ी लेके घूमना फिरना ऐसा। अपने यहाँ इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के जैसा नहीं है कि मतलब 3 महीना बारिश होगा, 3 महीना ठंडी होगा, फिर गर्मी होगा, ऐसा यहाँ का सिस्टम नहीं है। ये देखिए, और मैंने अभी बीच में उमरा के ऊपर पूरा फिल वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग पुराना भी वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैं पूरा मस्जिद अल हरम, खाने काबा और जन्नतुल माला जो है उसका है पूरा मैंने फुल वीडियो बनाया हूँ, और जबले नूर जो गारे हीरा बोलते हैं, जो कुरान शरीफ का पहला आयत उतर नाजिल हुआ था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर है जहाँ पे उनकी पैदाइश है वो मस्जिद अल हरम के साथ साथ में है, उसका वो सारा वीडियो, वो थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, मुमकिन आधा आधा पौना घंटे का वीडियो है, अगर पूरा देखोगे तो इंशाल्लाह आप लोग का पूरा ज़ियारत भी होगा। ये देखिए, देखो अभी ये इधर पार्क है, ये देखो पब्लिक आने लगे बच्चे लोग खेलने के लिए, अभी मौसम जैसा मतलब बारिश का देखे वैसे आने लगे, देखिए। तो आप लोग भी देखे होंगे कैसा मतलब यहाँ का जब बारिश का मौसम आता है तो माशाल्लाह यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना, अभी तक कमेंट नहीं करे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना, और अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।